स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एनकेड अकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज की ये जो वीडियो है जो बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, इस वीडियो में जो हमने हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में समझेंगे, तो जो हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो इसमें बच्चों हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा आरंभिक भारत है वो किस तरीके से रहा है, वहां पर जो प्रदेश है कितने भागों में उनको विभाजित किया गया है, और जो पर्यावरण है वो किस तरीके का भारत में रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, तथा उनके जन समाज के बारे में हम पता लगाएंगे। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जो आपको आज बताएंगे वो भारतीय मैप के जरिए ही बताएंगे, क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें जो भारतीय मानचित्र के आधार पर ही हम आपको पूरा सारी चीज आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और आपने इससे पहले भी शायद मैप के बारे में जाना होगा, उसके जरिए हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों भारत की। बच्चों भारत, ये जो हमारा भारत का मैप है, इसमें हमें बात करने से पहले हमें यह चीज भी जान लेना बहुत जरूरी है कि जो हमारा भारत है वो पूरा कौन से, जो पूरे विश्व में वो कहां पर स्थित माना जाता है। सबसे पहले ये कहां पर स्थित है हमारा, दक्षिण एशिया बच्चों, और यह विश्व का सबसे बड़ा सातवां देश है। ठीक है, अब आइए इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी जो खूबियां हैं। यहां पर आपका विशाल आबादी वाला, मतलब कि यहां पर जो आबादी है आपकी वो कैसी है, विशाल, मतलब बहुत आबादी है, और आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है, और वो चाइना को भी पछाड़ने वाला है, चीन को भी। तो ये विशाल आबादी वाली है यहां पर। तीसरा बच्चे इसमें क्या है, तीसरा जो इसमें पॉइंट है जो ये विविधता इसमें जो बच्चों है विविधता से भरी हुई है। विविधता क्या होती है, यहां पर विभिन्न भिन्न मतलब भाषा बोलने वाले, जाति संस्कृति को मानने वाले लोग यहां पर रहते हैं। तो ये हमारी जो बोला जाता है ये हमारी विविधता में एकता, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भी है उसमें पूरे विविधता के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो विविधता क्या होती है, जहां पर की अलग अलग भाषा संस्कृति और धर्म के जो लोग रहते हैं वही विविधता, डायवर्सिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। और इसकी जो चौथी खूबी क्या है, भौगोलिक भिन्नता, भौगोलिक भिन्नता। अब भौगोलिक भिन्नता में देखो बच्चों क्या है इसमें, जैसे कि हमने कई क्षेत्र ऐसे देखे हैं जो कि भारत में क्या है, जो पूरे प्रत्येक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र को बांट दिया गया है, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इनकी जलवायु भी अलग होगी, तो इस तरह से इनको भौगोलिक भिन्नताएं ये भी हमें देखने को मिलती है, जहां पर कई जगह कई संस्कृति एक जैसी है, कहीं पर एक तरह नहीं है, हर जगह की अलग अलग भिन्नताएं हैं भौगोलिक में हम ये जानेंगे। और एक हमारा क्या है, यहाँ की संस्कृतियां भी बहुत ज्यादा है, संस्कृति भिन्नता, आपने देखा होगा हर एक जगह पर एक जैसी संस्कृति नहीं है, जैसे दिल्ली है आप पहाड़ी क्षेत्र में चल जाएंगे तो वहां पे कुमाऊं ज्यादा रहेंगे, तो इस तरीके से जो है आपका हर एक क्षेत्र में राजस्थान में जाइए उनका वेशभूषा, तो संस्कृति सभी की क्या है अलग अलग है, तो भिन्नता इसमें भी हमें देखने को मिलती है। एक हमारा क्या है, तो इस तरीके से आपने भारत के जो विशेषताओं के बारे में जाना, किस तरीके से जो आपका है भारत का, तो आइए अब हम इसमें आगे जो बढ़ते हैं वो है हमारा प्रदेश के बारे में। तो हम सबसे पहले इसके प्रदेश के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत के बारे में आपको खूबियां बता दी आपको, देखिए भारतीय जो है भारत के अंदर जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल जो आपके आते हैं, जो कुल देश हैं वो है आपके छह, जो कुल महादेश है उपमहाद्वीप में जो आते हैं भारत के, जिस जहां जहां तक भारत का हिस्सा फैला हुआ है, तो उसके जरिए हम मैप के जरिए आपको बता देंगे। तो पहले जो आपका जो छह है वो कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले जो नीचे है आपका एसएल, इसको हम श्रीलंका कहते हैं बच्चों, इसको हम दक्षिण साइड भी कहेंगे भारत के, और एक हमारा इसी साइड है हमारा बीडी जिसको हम क्या कहते हैं बांग्लादेश बच्चों, यही पे हमारा एक क्या है नेपाल,
एमपी, और यहीं पे हमारा क्या है बीएच, और यहीं पे हमारा क्या है बेटा यहां पे बच्चों ये जो चाइना लिखा हमारा चाइना इसमें नहीं आएगा, यहां पर हमारा क्या है बच्चों ये हमारा पाकिस्तान पीके। तो इस तरीके से कुल जो ये और हमारा मालदीव वो भी आएगा हमारा बांग्लादेश। तो इस तरीके से जो छह है वो पूरे हमारे क्या है हमारे उपमहाद्वीप माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप बता दिया आपको, उसके बाद इसमें देखिए क्या होता है आपका यहां पर जो इसका पूरा जो क्षेत्रफल माना जाता है, इस पूरे का जो जितने भी ध्रुव में विस्तार है उपमहाद्वीपों में इसका पूरा जो क्षेत्रफल है बच्चों आपका वर्ग किलोमीटर, ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी ये जो विविधता है ये भरी हुई है, भारत क्या है पूरी विविधता से भरा हुआ है, जिसमें कि क्या कहा जाता है इसमें विविधता जैसे भाषा वेशभूषा, वेशभूषा हो गया आपका इसमें आप आ जाइए वेशभूषा में जब आपने बात की तो फसल की बात कर लीजिए आप, इसमें और भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या है विविधता देखने को मिलती है। अब आते हैं हमारे क्या है इसमें वर्षा जलवायु, वर्षा जलवायु और आपकी मिट्टी। तो आपने विविधता जो यहां पे देखा, यहां पे जो भाषा है हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे जो भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो हमारे जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा मानी जाती है बच्चों, और हर एक राज्य की जो वेशभूषा जो पहनावा ओढ़ावा है वो क्या हर चीज डिफरेंट डिफरेंट है, सभी का अलग अलग है। और क्या है यहां पर हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम यहां की बात करें, ये जो अर्धशुष्क क्षेत्र माना जाता है यहां पर कृषि बहुत कम की जाती है, और जो सबसे ज्यादा कृषि की जाती है जहां जहां पर गंगा की जो डेल्टा है जो जहां से वो जाती है उसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है, और हमारा जो दक्षिण का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। तो यहां पर एक समान फसल नहीं उगाए जाते। यदि यहां पर अगर बिहार की बात की जाए, ये हमारा बिहार इधर है, यहां पर उत्तर प्रदेश है जी, तो यहां पर जब उगाए जाएंगे तो चावल अगर मान लीजिए चावल उगाया जा रहा है, गेहूं उगाया जा रहा है, तो ये जो दक्षिण में है, दक्षिण में आपने सुना होगा केरल के साइड वहां पर टी कॉफी की भी की जाती है कृषि। तो ये एक भिन्नता देखने को आपको मिलेगी फसलों में। एक क्या है वर्षा, आपने अगर बात की जाए हमारे जो एक क्षेत्र है जबकि हमारा शिलोंग है, आपने शिलोंग के बारे में सुना होगा, और एक है हमारा राजस्थान जो हम जानते हैं यहां पर है, ये पश्चिमी साइड है बच्चों, ये चीज जान लेना बहुत जरूरी है। हमारा क्या है साउथ की साइड, और ये हमारा क्या है नॉर्थ बच्चों, ये हमारा क्या है ईस्ट, और ये हमारा क्या है वेस्ट। तो आइए हम आप जानते हैं शिलोंग जो राजस्थान है हमारा, जो सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर नहीं होती, और यहां पर वर्षा क्या होती सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से आपने देखा वर्षा में देख ली जाती है, और जलवायु क्या है हर जगह की भिन्न भिन्न है, एक समान। अगर मान लीजिए अगर इस समय जो टेम्परेचर अगर मान लीजिए दिल्ली का है अगर 28-30 चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में यही कितना होगा मैक्सिमम 15-18 इससे ज्यादा नहीं होगा, और सबसे कम जो उसमें होता है माइनस में भी चल जाता है कई बार, तो वो तो नॉर्मली है कि वहां पर माइनस में ही रहता है। तो वो सारे क्षेत्र, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी जो उप महाद्वीप हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या किया है उनको बांट दिया गया है। अब बांटने का मतलब उनके आधार पर बांट दिया गया है, सिर्फ 5 वहां से उप महाद्वीप है कि विशेषता के आधार पर बच्चों पर 6 भागों में, 6 मान लीजिए 5 मान लीजिए 6 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 जो हम बात करेंगे बच्चों वो है हमारा हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पर्वत श्रृंखला हम इसके बारे में डायरेक्ट बात करते हुए चलेंगे जैसे इस तरीके से। अब देखिए हिमालय क्या है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला जो मानी जाती है बच्चों, यहां का जो सबसे मेन क्या है आपका
यह विश्व की सबसे बड़ी चोटियां मानी जाती है, पर्वत श्रेणी मानी जाती है। यहां पर कुल 95 चोटियां मौजूद है। अब इसी में जो इसकी ऊंचाई जो मानी जाती है बच्चों, वो क्या है आपकी 7500 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां पर क्या है सबसे ज्यादा कहा जाता है, जो ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, इसी के जरिए जो पहले आपने सुना होगा जितने भी जो व्यापारी थे और आपके आक्रमणकारी जितने भी थे और धर्म प्रचार जितने भी थे, वो इन्हीं रास्ते से, हिमालय के ही रास्ते से वो क्या थे भारत में प्रवेश किए थे। और यह भी कहा जाता है जो बौद्ध धर्म का जो प्रचलन है, इसी से जाकर वो यहीं से जाकर ही कहा गया था तिब्बत में पहुंचा था, भूटान जो वर्तमान समय में, तो इस तरीके से वो पहुंचे थे, बौद्ध धर्म का जो प्रचलन पहुंच गया था वहां तक। तो यही कहा जाता है तो ये हिमालय की जो उपमहाद्वीप में ये प्रवेश करते थे, जो जितने भी जो लोग आते थे आक्रमणकारी, जो व्यापार करने आते थे, तो ये सारी चीजें भी आपने मंगोलियों के बारे में सुना होगा, चाइना में जो रहते थे, वो उसी के जरिए यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के जरिए भारत में प्रवेश करते थे। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो आपका था बच्चों, वो था आपका सिंधु का मैदानी इलाका, सिंधु का मैदानी इलाका। अब देखिए सिंधु की जब मैदानी इलाके की जब बात की जाएगी बच्चों, तो इसमें सबसे जो पहली बात आती है हमारी कि इसको तीन भागों में बांट दिया गया था बच्चों। सबसे पहला हम जो बात करेंगे इसमें जो आपका दिया गया है, इसको कई भागों में, अब जैसे कि सिंधु वह सभ्यता है, इसकी जो पांच सहायक नदियां मानी जाती है, पांच चार, जैसे कि हमारा कौन कौन सा है, कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी और हमारा सतलुज। सतलुज अगर ये जो सिंधु का जो आपका माना जाता है, जो इसका अत्यधिक हिस्सा भारत और पाक में जो पड़ता है, हमारा जो पंजाब का हिस्सा है, जो सिंधु में बहुत ज्यादा हिस्सा पड़ता है, और कहा जाता है इसी के नाम से हमारे भारत, इंडस रिवर के नाम से हमारे भारत का नाम भी पड़ा था। तो इसके अंतर्गत जो उपमहाद्वीप है इसको क्या कहा जाता है, इस उपमहाद्वीप में यह भी कहा जाता है कि इसको अन्न का भंडार भी कहा जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में बच्चों क्या है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, और दक्षिण पूर्व में, पूर्व में बच्चों इसका क्या है आपका, इसमें आता है थार मरुस्थल, मरुस्थल ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा मैदानी इलाका पड़ता है। अब आइए हम आगे इसमें बढ़ते हैं, इसी भाई अब हम आते हैं जो तीसरा हमारा जो पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा दे रखा है गंगा अब गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो कहां से कहां तक जो है उसके क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो है वो कौन कौन सा है हम उसके बारे में। तीसरा जो हमारा था गंगा का मैदानी क्षेत्र बोल दीजिए आप इसको। अब देखिए गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है बच्चों, उसको क्या किया गया है, ये किस तरीके से बना है गंगा, तो गंगा का जो निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी के जब इकट्ठा हो जाने की वजह से क्या हुआ है, ये बन गया। और इसके जहां जहां ये जो क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इसका ये स्थान है जहां से ये निकलती है गौमुख, तो ये जो है यहां से निकलते हुए उत्तराखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश से बिहार से होते हुए कहां जाती है, वो बांग्लादेश में बहती है। तो इसको तीन भागों में बांट दिया गया बच्चों। तीन भाग इसके कौन कौन से बच्चों, वो है हमारा, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो उत्तरी भाग है, उत्तरी, मध्य और निचला हिस्सा। तो जो आपका उत्तरी और आपका जितने भी जो पश्चिमी हिस्से में जो आपका आता है वो यूपी आ जाता है, पश्चिमी यूपी, उत्तर हिस्से में क्या आता है आपका, इनका वही पश्चिमी
उत्तर प्रदेश, इसी को बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके क्षेत्र में आते हैं। तो अब मध्य में देखो बच्चों इसमें क्या आता है, मध्य में जो आपका है जो जितना भी जो पूर्वी है, पूर्वी यूपी और बिहार, बिहार आता है आपका, ठीक है जी, जितने भी जो पूर्वी है वो आते हैं आपके इसके। अब निचले हिस्से में क्या आता है बच्चों, इसमें आता है बंगाल। गंगा की जो लंबाई मानी जाती है बच्चों वो 2500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये हमारे जो भारत की है एकमात्र नदी है जो सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी हमारे भारत की नदी नहीं है बच्चों, ये हमारी भारत की सबसे लंबी नदी और यह हमारी सबसे सहायक नदी भी मानी जाती है। इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोग बसे होते हैं। अब आते हैं इसमें आगे, हमारा एक और जो पॉइंट है चौथा, पूर्वी पश्चिमी और मध्य, पूर्वी पश्चिमी और मध्य भारत। तो हमें इसमें पढ़ना है बच्चों, ये जो हमारा मेन है हम इधर आए थे, हम इसमें इसको काट दीजिए आप इस तरीके से रख करते हैं। तो जो हमारा जो ये हिस्सा है पूर्वी हिस्सा, ये जो हमारा है ये वाला हिस्सा, और पश्चिमी ये वाला हिस्सा, और मध्य जो हमारा है ये जो हमारा आता है मध्य, इसके बीच में। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जो कि मध्य पूर्व पश्चिम में जो हमें जाना है वो देखिए हमें किस तरीके से। सबसे पहले जो पूर्व में हिस्से में आता है आपका, वो आता है पूर्व प्रदेश में जितने भी हमारे उड़ीसा, जो हमारा ये जो पूर्व का हिस्सा है हमारा ये उड़ीसा आएगा, इसमें उड़ीसा इसमें आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा ये आपका पूर्वी हिस्से में आता है। दूसरी चीज यहीं पे क्या है आपका, अगर मानोगे आप ये जो पश्चिमी हिस्से में आपका है वो आता है आपका गुजरात, यहां का जो आपने सुना होगा गुजरात, ये जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है गुजरात, क्योंकि पूर्व वो उधर पश्चिम ये हो गया गुजरात। और मध्य का जो हमारा हिस्सा है बच्चों ये जो हमारा आता है इसमें कई चीज ऐसे जो बोलते हैं दक्षिण बिहार भी आ जाता है मध्य में, बीच में हमारा ये वाला जो है ये जो हिस्सा है बिहार का भी आ जाता है, ये बिहार है हमारा बच्चों। तो बिहार में तो ये इस तरीके से हमें ये जान लें किस तरीके से ये जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में, तो यहां पर जो क्या है बच्चों ये जितना भी गुजरात का जो क्षेत्र है ये क्या है, इसको क्या माना जाता है अर्ध शुष्क, जहां ये जो उपजाऊ भूमि बहुत कम होती है, और आपने सुना होगा कि हम यहां पर सबसे कम वर्षा भी होती है, और यही जो असम की बात है यहां पे गंगा नदी जो जाती है इसके जरिए जो पानी जो आता है यहां पर, कई ऐसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी है, तो यह जो ये क्षेत्र है यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, यहां पर ये क्या है उपजाऊ भूमि कहा जाता है आपका प्रदेश उपजाऊ भूमि, ठीक है। तो यहां पर कृषि बहुत ज्यादा की जाती है। आइए अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है पांचवा पॉइंट प्रायद्वीप पे, प्रायद्वीप पे भारत। बच्चे देखो प्रायद्वीप पे होता क्या है, जैसे कि हमारा जो भारत का जो ऊपर जैसे ये धरती है इसके ऊपर उठा हुआ क्षेत्र, तो वो कौन कौन सा है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली चीज है देखो इसका जो निर्माण माना जाता है आर्चन, एक है आर्चन के रॉक से हुआ है, और ये क्या है सबसे पुरानी जो हमारी है आज से कई साल पहले की बात जो बात है उस समय क्या है ये जो चट्टानें पुरानी होती थी उस समय का है ये। और इसके क्षेत्र में जो आता है दक्कन का पठार, तो इसको बच्चों तीन भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला हम उनके बारे में जान लेते हैं, आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में जो कौन सी नदी बहती है बच्चों, नर्मदा नदी है हमारी, और यही जो हमारा हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, और इसमें जो है आपकी कृष्णा, आपने सुना होगा। देखिए महाराष्ट्र जो हमारा यहाँ पे गुजरात के नीचे ही जो हमारा क्या है एमएच मैं डाल देता हूं आपका महाराष्ट्र, और हमारा आंध्र प्रदेश इधर ही आ जाए हमारा एडी एपी आंध्र प्रदेश, और ऊपर आ जाएगा उड़ीसा के नीचे ही हमारा आंध्र प्रदेश हैदराबाद जो आपने सुना होगा, और ये हमारा कर्नाटक जो है बच्चों, तमिलनाडु
तमिलनाडु के नीचे जो कौन सी नदी बहती है बच्चों, जो हमारे नीचे की साइड आता है, कावेरी। तो ये हमने देख लिया कि सही से प्रायद्वीप के पठार के बारे में, वो कौन से शैल से बना होता है, आर्चियन शैल से बना हुआ होता है। तो अब आ जाते हैं हम बच्चों, यही तो अब इसमें हम आते हैं पर्यावरण के बारे में हम जानेंगे। पर्यावरण होता क्या चीज है, ये आपको उपमहाद्वीप के आधार पर आपको बता दिया गया किस तरीके से जो बांटा गया है आपका। और दोबारा से हम आपको बताते हैं किस किस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना, मध्य पश्चिम और आपका पूर्व भारत के बारे में हमने जान लिया, और हमने गंगा मैदानी के बारे में हमने जान लिया। तो इस सभी के बारे में हमने पता कर लिया और प्रायद्वीप भारत के बारे में भी जान लिया। अब आते हैं हम पर्यावरण हमारा क्या है। पर्यावरण, अब देखिए पर्यावरण अनेक तत्व का संग्रहण है, मतलब जो माना जाता है पर्यावरण क्या है, यहां पर अनेक। तो पर्यावरण में सबसे चीजें जो हमने ये खत्म कर लिया पड़ते हैं, पर्यावरण पर आते हैं। तो ये जो हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पर्यावरण में क्या क्या चीजें हैं आपकी, जो जलवायु होती है, जलवायु हो गई। दूसरा हमारा क्या है, इसमें नदियां हैं, आपने सुना होगा अभी हमने नदियों की बात की थी गंगा नदी के बारे में, और यहां पे मौसम। जब जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु क्या होता है, लोग वहां उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पसंद रहना पसंद करते हैं जहां पर की जो जलवायु सबसे ज्यादा अच्छी होती है। कहा जाता है जो आर्य जो लोग आए थे तो वो जहां भी रहते थे वहां पर बहुत सर्दी थी, तो वो उस स्थान को छोड़कर उस स्थान में जाना बसना पसंद कर रहे थे जहां पर की गर्मी थोड़ी सी गर्म रहा करे। तो वो क्या कर रहे थे, जलवायु के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही लग गए। नदियां, आपने देखा हो हमारे नदियां कई प्रकार की, जो हमारे भारत में नदियां मानी जाती है तो कई नदियां हैं जो कि हमारे जो भारतीय नदियां हैं, गंगा हो गई, जमुना हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, तो ये जितनी भी जो नदियां हैं, सिंधु नदी ये भारत की नदी नहीं है लेकिन हमारे भारत के हिस्से में भी इसका है, तो ये सारी नदियां। तो वर्षा, यहां पे क्या है, वर्षा की प्रमुखता है। वर्षा की प्रमुखता मतलब कि वर्षा एक क्षेत्र ऐसा है कि जो प्यासा का दूसरा क्षेत्र है वहां पे लबालब बारिश हो रही है, तो 200 सेंटीमीटर से भी जो अधिक बारिश होती है वो आपका जितना भी जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है वो वहां पर होती है। और ये जो हमारे जो राजस्थान की बात करें यहां पर होती रही, इसलिए यहां सबसे ज्यादा पेड़ जो कौन से उगते हैं, इनकी मृदा में जो मिट्टी में क्या है नमी आ जाती है। आइए जलवायु, अब इसमें हमारा क्या प्रादेशिक भिन्नता और पर्यावरण परिवर्तन, तो ये तो हमने पर्यावरण के बारे में जान लिया किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको एक तरीके से बता दिया आपको। अब हमारा प्रादेशिक भिन्नता और पर्यावरणीय परिवर्तन, अभी देखिए किस तरीके से बच्चों, ये जो आपका जो प्रादेशिक जो भिन्नता है देखी जाती है, आपने देखा होगा मनुष्य अपने जीवन को पालने के लिए क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता रहा है। अब जैसे मान लीजिए शुरुआती दौर में जो मानव था वो क्या करता था, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए वो क्या करता था, जानवरों पर आश्रित रहता था, पेड़ पौधों पर, इस तरीके से वो क्या करता था, पर्यावरण को प्रभावित करता था। तो यदि उसको जीवित रहना है तो वो संसाधन हमें सीखते भी है वो कहां से प्राप्त होते हैं, ये जो आज हम अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं ये भी क्या है, एक संसाधन है। तो ये क्या है, हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त है, तो जितने भी जो संसाधन है वो प्राकृतिक की ही देन है बच्चों। तो वो तो हम जो इतने जितने भी हमने अपने मस्तिष्क का विकास करके उपयोग करके हमने क्या किया, संसाधनों को और विनिर्माण किया और उसको एक नया रूप दिया जिसके जरिए हम उसको क्या कर रहे हैं, एक नया क्रिएशन कर रहे हैं। तो क्या करता है हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, मनुष्य पर्यावरण, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य हमेशा पर्यावरण को प्रभावित ये करता है। दूसरी चीज, पर्यावरण में समय समय में परिवर्तन आता रहता है बच्चों, परिवर्तन, पर्यावरण क्या है उसमें हमेशा क्या है परिवर्तन आता रहा
परिवर्तन नहीं आता। तो आपने सुना होगा मुगल साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, हर एक किसी का क्या होता है, अंतकाल होता है। तो परिवार पर्यावरण में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो हमेशा एक समान नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। तो इसी में आइए हम तीन चीजों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, जो पर्यावरण का जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो था आपका, आइए सबसे पहले पाषाण, पाषाण काल, और इसी में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण। अरे हमारा इसी में क्या है, नवपाषाण। देखिए पाषाण काल वह काल था जिस समय की मनुष्य का आरंभिक समय, मनुष्य का आरंभिक समय माना जाता है। इस समय मनुष्य क्या होता था, हमेशा वो जानवरों पर निर्भर होता था और उसको किसी चीज की भी ज्ञान नहीं था। जो आपने सुना होगा होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो निड्स, ये जितने भी जो प्राचीन मानव थे जो कि चार पैरों पर चला करते थे और ये पर्यावरण पर ही क्या करते थे, पर निर्भर, ये पर्यावरण पर निर्भर रहा करते थे पाषाण काल में जो होता था। तो ये इनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। अब आते हैं मध्य पाषाण, मध्य पाषाण में क्या हुआ, जैसे जैसे तापमान बढ़ा तो आपने देखा जो परिवर्तन जो आपको बताया गया, तो किस तरीके से जो मौसम में जो परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, मध्य पाषाण में लोगों ने क्या किया, जैसे शिकार कम हो जाने लग गए तो इन्होंने क्या किया, कृषि करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने कृषि शुरू कर दी, उसके बाद छोटे मोटे औजार बनाने लग गए। और यहां पर देखिए सबसे पहले जो यहां पर जो परिवर्तन जो हुआ था आपका, उष्ण से कैसे बदल गया शीतोष्ण में। और दूसरी चीज क्या है, इन्होंने शिकार की जगह खेती का काम करना शुरू कर दिया, शिकार नहीं करते थे, उसके बाद छोटे मोटे जानवर भी खेती की इन्होंने। उसके बाद ये क्या करते हैं बच्चों, ये औजार बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब देखिए औजार बनाना ये कई चीजों के लिए करते थे, घरेलू कार्य के लिए भी, जानवरों के लिए भी, और कृषि करने के लिए भी। जैसे कि जो हल हुआ करता था, इस प्रकार से आपका जो हल है वो एक तरीके से, ये इस तरीके से मान लीजिए आपका ये जो हल माना जाता था वो इसको खेत को खोदने के लिए काम किया जाता और इससे क्या कहते थे, कृषि की जाती थी। अब नवपाषाण जो आपका है बच्चों, नवपाषाण काल, इसमें क्या होता था, जो जौ, जौ के बाद इसमें जो चावल, जौ चावल बच्चों, और इसमें क्या था आपका, जितनी भी जो चावल के बाद जो गेहूं है इनकी खेती की जाती थी। और इसमें क्या था, परिवर्तन जानवरों पर निर्भर रहते थे, जानवर को पालना, जैसे बकरी, भैंस आदि। तो ये जो जानवरों किसने पालते थे, क्योंकि तो उनसे मांस भी मिल जाए और ये भारी जानवरों को पालते थे, जिससे क्या किया जाता था, परिवहन के रूप में ये क्या करते थे, जानवरों का उपयोग किया करते थे। मतलब परिवहन की जगह किस चीज का उपयोग कर लेते थे, जानवरों को ही उसके ऊपर लाद दिया और उसी से वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया करते थे। दूसरी चीज यह देखो, गुफा, जब गुफा छोड़ अस्थाई, यह गुफा को छोड़कर अस्थाई स्थानों में रहना इन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि जब ये कृषि करते थे तो कृषि करने के बाद इन्होंने जो अनाज रोपा उसके उसी के पास रहा करते थे, क्योंकि अन्यथा क्या करते थे, जानवर उसको खा जाते थे। तो इसीलिए वो उन्होंने क्या किया, गुफाओं की जगहों को छोड़कर ये एक जगह स्थिर रहने लग गए, जहां पर कृषि करते थे उसी स्थान पर वो रहते थे, जिससे कि वो कृषि की भी देखभाल पूर्ण रूप से करते थे। तो ये आपका हो गया आपका प्रादेशिक भिन्नता और पर्यावरण परिवर्तन। अब आते हैं इसी में बच्चों आगे जो हमारा है, इसमें कुछ दो पॉइंट हमारे हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये आपको आ गया, इसको नोट करके चल जाना बच्चों आपका।
एक ही हमारा रुचि इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता का बच्चे जो टाइम पीरियड है वो आपका है 2500 से 2550 से आपका 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कहीं कहीं अलग अलग भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो आपके पुस्तक में दे रखा है वही डिफरेंट, वही उसी को हमें मानना है सबसे पहला। तो आइए इसमें जो है इसका जो क्षेत्र माना जाता है सबसे ज्यादा जो है इतने वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है बच्चों। यहां तक जैसे इसको क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, ये बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है सिंधु सभ्यता, और बहुत प्राचीन सभ्यता है। यहां पर क्या है? सहायक नदियां। यहां पर जो नदियां थी सिंधु की, इसकी चार नदियां हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। खेती का प्रचलन था आदि चीजें। अब आते हैं आर्यों का, आर्यों का आगमन। अब कहा जाता है जो आर्यों का जो आगमन शुरुआती दौर में बताया था, जितने भी जो जो पर्वत श्रृंखलाएं वो ये लोग यहीं से आए थे। तो आर्यों का ये जो मानना था यहां पे जो थे हड़प्पा के, हड़प्पा जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद क्या हुए, ये लोग आ गए। दूसरी चीज, इनको किस भाषा का ज्ञान था? यह इंडो इंडो आर्यन भाषा बोलते थे। इसमें एक चीज क्या थी, ये जो लोग थे ये कहते थे उत्तर भारत को चुना इन्होंने। उत्तर भारत जो हमारा है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये इस क्षेत्र में उत्तर भारत में आए। कहा जाता है कि ये जो लोग उस समय आए जहां पर कि ये जो सबसे ज्यादा सर्दी होती थी, उन स्थान को चुना जहां पर की गर्मी हुआ करती थी। तो इन्होंने भारत को चुन लिया, उस स्थान में ये आकर बस गए। तो आइए हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक काल। वैसे जो हमारा वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसमें देखो अग्नि, वरुण और आपके इसमें सोमदेव, जो जितने भी जो देवता हैं इनकी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। दूसरी चीज, इसी समय क्या हुआ, यह गंगा के मध्य में रहते थे ये लोग। और इसी समय क्या हुआ बच्चों, एक चीज और हुई, जो लोहे की खोज। अब इसके बाद बच्चों जो आपका है ये तो जान लिया आपने, अब है आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जितनी भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से यहां पे क्या होता है, सबसे पहले 16 महाजनपद आते हैं। 16 महाजनपद, अब जिसमें कि आपने सुना होगा बौद्ध धर्म, जैन, फिर उसके बाद आते हैं मौर्य, उसके बाद आते हैं सातवाहन। तो इस तरीके से जो मौर्य हैं उसके बाद ये जो आते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना राज्य किया, उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा दी। तो ये सब चीजें हैं। तो ये हमने जान लिया पर्यावरण और जन समाज हमारा किस तरीके का रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।